हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपियाना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए कद्दू की सब्जी बना रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो कद्दू लिया है। इसे मैंने पहले अच्छे से धो लिया, इसके बीजे को निकाल दिया, उसके बाद मैंने इसे छोटे आकार में काट लिया है, कुछ इस तरह। इसे बड़ा बिल्कुल भी नहीं काटना है। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसे हम पंचफूरन कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने सौंफ लिया है, अजवाइन, राई के दाने, मंगरेल, मेथी, ये सभी चीज़ें आधा आधा चम्मच हैं। एक बड़े आलू को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया, उसके बाद मैंने इसे भी छोटे आकार में काट लिया है, जैसे मैंने कद्दू को काटा है। 2 से 3 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। धनिया पाउडर 2 चम्मच लेंगे, गरम मसाला 1/4 चम्मच लेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, चीनी लेंगे 1 बड़े चम्मच। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, ये 1 से 1.5 बड़े चम्मच लेंगे। तो सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई को रखकर गरम कर लेंगे, और उसके बाद इसमें सरसों का तेल डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। तेल गरम हो चुका है, तो अब इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अब इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू को हमको तब तक फ्राई करना है जब तक ये आधे से ज़्यादा पक नहीं जाते हैं। आलू को पूरा नहीं पकाना है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे। तो यहाँ हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं, मगर ये पूरे नहीं पके हैं। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो लाल मिर्च को कम भी डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम कटे हुए कद्दू डाल देंगे। और एक बार फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। अब हम कद्दू को कवर कर देंगे, और उसके बाद इसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। बीच में 1 से 2 बार चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कद्दू गल चुका है, ये आधा हो चुका है। इसे चला लेते हैं एक बार। गैस की फ्लेम हमारी लो मीडियम है। अब इसमें हमने धनिया पाउडर डाला है। नमक को शुरू में नहीं डालना है, जब कद्दू गल जाएगा, जैसे इस समय गल चुका है कद्दू, तभी हम नमक डालेंगे। तो हम नमक डाल देते हैं इसमें, और नमक को कम ही डालें क्योंकि कद्दू अभी और थोड़ा सा गलेगा। इसे मिला देते हैं, और उसके बाद फिर से इसे कवर करके 2 से 3 मिनट पकने देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कद्दू बहुत ही अच्छे से पक चुका है, ये गल भी चुका है। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला को बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी में मसाले बहुत नहीं पड़ते हैं। इसमें मैंने चीनी डाली है। चीनी से कद्दू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, या थोड़ा सा तेज कर दीजिए, और उसके बाद इसे 3 से 4 मिनट खुला पकाइए, जिससे कद्दू का कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है ऊपर से। तो यहाँ हमारा कद्दू बिल्कुल तैयार है, यानी कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। आप इसे पूड़ी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। कद्दू पूड़ी बहुत ही फेमस है खाने में, और इसे आप रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।